नहीं है, सिंगल स्टार रहेगा तो ASI रहेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दो गो स्टार रहेगा तो सब इंस्पेक्टर, तीन गो स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर, अगर वो स्टार जो रहेगा आपका सिल्वर कलर का हो गया तो CO हो गया, अगर वही स्टार सिल्वर कलर का नहीं है गोल्ड कलर का है और यहाँ पे एक तो लाल रंग की पट्टी नहीं है, दरोगा के देखिए नहीं लाल ब्लू पट्टी रहती, पट्टी नहीं है तो SP हो जाता है। तो कहा जाता है कि आपका जो चालान काटने का अधिकार है वो कम से कम आपका SI रैंक का अधिकारी होना चाहिए, ASI कम से कम एगो स्टार रहना चाहिए, वही आपका चालान काट सकता है। कांस्टेबल चालान नहीं काट सकता है, फाइन नहीं लगा सकता है, भले रोक सकता है। तो जाइएगा ना दरोगा तो शांति से बैठा रहता है, सर्जन छूट पर क्या होता है, लठिया ले ले रहता है, वो भांजता है, रोक रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, चल 5000 फाइन हो गया यहाँ पे, जज रे 5000 फाइन हो गया, तू काट ना 5000 फाइन, तेरा बताते तो नौकरियां ना खा जाएंगे, तब कहना 5000 फाइन है कि कितना है ये अलग मैटर है, पहले ये बता तुमको अधिकार किसने दे दिया। तुम्हारा काम यही है कि गाड़ी साइड में लगवाओ और हमको अपने सीनियर के पास ले जाओ, सीनियर वा उसका एगो पलानी में बैठा रहता है कहीं छाता होता लेके, उसके पास जाएंगे तो गुटखा खिले रहेगा पूरा, हेलमेट नहीं ठोका आपके पास, इसे पुलिस वाला सुनना है, मोरल गिरा देता है सब। देखिए पूरे हिंदुस्तान में पुलिस में ऐसा नहीं है कि सब करप्ट है, कुछ इतने ईमानदार है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि पुलिस में कैसे चलाए, लेकिन कुछ इतना गलत गलत काम कर देते हैं सब ना, लेकिन उन सब की भी मजबूरी है, दिन रात उन सब के पास गुंडे बदमाश आते हैं, कभी चोरी किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, पत्नी को मार दिया, छत से कूद गया, दिन रात चोरे उचक्के के साथ रहते हैं, तो उन सब का भी मेंटेलिटी है ना एकदम सनक जाता है सब। तो ये आप समझ में आ गया अधिकार परीक्षा को।